आप लोगों ने हमारे दिल को मोह लिया। अरे वाकई हमारे लगे हमें भूलने लगे थे सब कुछ, अब फिर वही ज्यादा हो गए। अब जहाँ नखलऊ याद आएगा वहाँ एक रहती भी। इससे अच्छी कोई सोहबत थी नहीं। हाँ ऐसी सोहबत नहीं मिलेगी, ऐसी सोहबत नहीं मिलेगी। और ये मुशायरे तो एक हंगामा हाव हूँ। अरे वो बेकार, अब उनको नहीं देखा आपने, वही क्या नाम मुजफ्फर साहब। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैंने इसलिए पूछा था कि आप कब तशरीफ ले जाएंगे। हाँ। एक दिन आपको ले चलो। हाँ ले चलिएगा साहब। अब वो तरह के सहारी हैं। हाँ हाँ शायद हाँ सफी साहब ज्यादा बेहतर थे अजीज से। अजीज से बेहतर थे सफी, सफी बेहतर। अच्छा अजीज साहब ने उनसे इस्लाह भी ली है? इस्लाह ली थी लेकिन फिर मुनकर हो गए। मुनकर होगा। और अब सफी आदमी के लिहाज से बहुत आदमी के लिहाज से बहुत अच्छे, बहुत बहुत ही अच्छे, बहुत नेक आदमी, बहुत नेक आदमी। बेटे भी उनके मर गए। बेटे मर गए? हाँ वसी, वसी हाँ हाँ। मैंने भी एक दो गजलों पे इस्लाह लिए सफी साहब। तुमने आपने जब पढ़ता था हाँ, हाँ, में। हाँ। वो है आप पास जहाँ उनकी इस्लाह जरूरी थी? नहीं नहीं पढ़ता ही नहीं। अजीज साहब का इस्लाह देने का तरीका क्या था? गजल दे जाइए, वो ज्यादातर अपने ख्याल उसमें रख देते थे। कोई लब की इस्लाह करते तो माने भी इस्लाह ज्यादा करते थे, माने भी तसरुफ हो जाता। हाँ और ये मुझे है शागिर्द के लिए चीज मुझे बहुत मुझे, इसीलिए मैंने फिर बंद कर दिया दिखाना। ये नहीं कि मैंने कोई बगावत नहीं से, मैं समझा कि मुझे नुकसान पहुंचा। हाँ वो अपने ख्याल यहाँ। वैसे आप इस सिलसिले को शागिर्दी उस्तादी के मुफीद समझते हैं या गैर मुफीद? शायरी के लिए किसी उस्ताद जरूरत नहीं, अलबत्त जबान की नजाकत से समझने के लिए और फन जानने के लिए उस्ताद को होना है जरूरी। तो इस नुक्ते नजर से मुफीद है। हाँ एक पहलू मुफीद। हाँ। और मानवीय अजबार से फजूल है बल्कि मुदिर है। लखनऊ के शोरा में हाँ। सफी साहब, साकिब, आरजू हाँ। इनमें आप किसको बेहतर समझते हैं? सफी सबसे बेहतर थे, सफी बेहतर था, सबसे बेहतर। शेर कहने में भी और शेर का लहजा भी उनका सबसे अलग था। हाँ लहजा अलग बिल्कुल, फर्क है बहुत ज्यादा। आरजू साहब हाँ, लेकिन आरजू साहब से बेहतर यगाना थे। कौन था यगाना? हाँ मुझे कुछ जवाब कर नहीं बहुत है। हाँ? बहुत अरूस पर नजर थी उनको भी हासिल थी जगाना। हाँ? जी बहुत। हाँ? बहुत। और एक और साहब थे माशूक हुसैन अथर हापुड़ी। हाँ, अथर हापुड़ी बहुत अच्छे। हाँ। दिल्ली में कई दफा मुझसे मिले थे। अथर हापुड़ी यही इंतकाल हुआ, कराची में इंतकाल हुआ। अच्छा तो साहब आपकी शायरी का आगाज तो गजल गोई से हुआ होगा जी। या तो उस जमाने में आपने क्या कहा आप तो सुना दीजिए, बच्चियों के स्कूल में तो आपने सुनाया नहीं, सुनाया नहीं आप पहला शेर पहला शेर आपने क्या कहा था आप सुना? हमें लौंडेपन का शेर जो भी है तो सारे तेरे चूम के कहता है शब्बीर। क्या सारे तेरे चूम के कहता है शब्बीर, नरमी तेरे गालों में आई है कहाँ से बदमाशी का जब से पूछ के पांव पालने में। अच्छा आप उस जमाने में तरह मुशायरों में भी शिरकत फरमाते थे? हाँ जाते थे। तो उस जमाने में गजल किस तरह कहा करते थे आप? किस्सा करते थे, काफिया लिखते जैसे सब लिखते हैं। अच्छा वही तरीका, काफिया की चली मारी वही करते। हाँ। लेकिन आपकी गजल का कुछ अंदाज मुख्तलिफ था उस मुतदाविल अंदाज से? कुछ भी नहीं, जैसे सब थे वही कभी ना कभी। नहीं वो तो उसका बाप मुंह में दबा के ले गया था। ये नहीं कुदरत से रिस्पांस नहीं हुई, रिस्पांस हमेशा हुई। अच्छा अब जो ये सिलसिला चल रहा है इश्क का, इसके मुहर्रिकात क्या हैं? सिलसिले इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? बहुत से मुहर्रिकात हैं।
बहुत से हैं जिसको चाहे खुदा खराब करे। अच्छा आप भी, आप बेकरार रहते हैं जुदाई में? हाँ, अब भी हाँ। वही कैफियत होती है जो जवानी में हुआ करती थी? नहीं, वो कैफियत तो नहीं है, अकल कहती है कि अगर एक गधे क्या कर रहा है। जबान का तनाजा जो है हमारे मुल्क में, इसके बारे में कुछ फरमाइए, जबान के मसले के मुताल्लिक। आप यही इंसान को तकसीम कर दिया जुग्राफिया की लकीरों में, एक खत बना दिया, इधर का आदमी अपना है इधर का गैर है। तो ये हमारी तंग नजरी है जिसने कि जबान के और रंग के और दीन के मसाइल खड़े कर दिए। फिर भी आखिर कोई जबान तो होनी चाहिए ना किसी मुल्क की, तो आपकी जो सबसे ज्यादा वसी वसत के साथ समझी बोली जाए वो जबान हो मुल्क। आपके ख्याल में पाकिस्तान में ऐसी जबान कौन सी है? उर्दू के सिवा और कोई नजर नहीं आती। हालात को देखते हुए कि कुरे अर्ज पर माशी हमारी पैदा हो सकेगी कभी, इतनी ना हमारी है। आगे चल के तो सब कुछ होगा, होगा। मैं इंसानी मुस्तकबिल से बहुत पुरुजुम्मीद। बहुत सही आप फरमा रहे हैं, बहुत सही फरमा। आदमी कब तक नहीं बालिग होगा, कब तक नहीं बालिग होगा, कब तक मसे नहीं बीगेंगे इंसान की। ये नए कहने वाले जो है शुआरा, नई नस्ल, इसमें कौन कौन ऐसा है जिससे उम्मीदें आप वाबस्ता कर सकते हैं आइंदा के लिए? किसी से नहीं। आपने कितनी फिल्म्स देखी हैं उर्दू की, कितनी फिल्में देखी होंगी? मैंने कम देखी। कितने, तादाद कितनी होगी? 30-40। और अंग्रेजी की फिल्में? अंग्रेजी की फिल्में सब मिला के, बहुत सब मिला के। मैं जाता हूं, आपने क्या फर्क महसूस किया उर्दू की फिल्मों में और अंग्रेजी की फिल्मों में? मेरी उसमें बसीरत कुछ नहीं है जी। मैंने सबसे अच्छी देखी फंटेशिया। अच्छा, इब्तिदाए कायनात उसने बड़ी साइंटिफिक पिक्चर थी। और उर्दू की फिल्म कौन सी पसंद आई आपको? एक तो वो बड़ी मशहूर थी, कौन, पुकार? नहीं, पुकार भी अच्छी पसंद थी। हाँ, और एक और वो नाम भूल गया। अच्छा, ड्रामे भी देखे आपने? स्टेज ड्रामे, स्टेज के ड्रामे, उस जमाने में जब स्टेज ड्रामे हुआ करते, थिएटर देखे? थिएटर देखे, कौन कौन सा? खटाऊ कंपनी का, आगा हैसर कश्मीरी। अच्छा, तो किसके ड्रामे बेहतर पाए आपने, आगा हैसर कश्मीरी का या किसी और ड्रामेटिस्ट? नहीं नहीं कह सकते, इसलिए कि मेरी नजर ही नहीं इसमें। अच्छा, मैंने जब देखा बादल नखास्ता देखा, मुझे शौक नहीं है। जो सब आपने नॉवेल्स भी पढ़े होंगे? बहुत कम, बहुत कम, बहुत। सबसे बेहतर नॉवलिस्ट आपके ख्याल में कौन सा है उर्दू का? आप एक जाबिर ये नक्श है चीखूफ का। चीखूफ का, अच्छा, वो तो खैर रशियन है। हाँ, अच्छा, लेकिन उर्दू में सबसे बेहतर आप? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा। अच्छा, हादी रुस्वा, मिर्ज़ा हादी रुस्वा। अच्छा, उमराव जाना था। प्रेमचंद के अफसाने पढ़े होंगे? हाँ पढ़े, क्या ख्याल है? अच्छे हैं, प्रेमचंद अच्छा लिखने वाला है। जहाँ तक मुझे याद है आपने प्रेमचंद के मुताल्लिक कोई मजमून भी लिखा था? हाँ लिखा था, और प्रेमचंद आदमी बहुत प्यारा था। आपकी मुलाकात हुई प्रेम? बहुत बहुत रहा। अच्छा, अजीब इत्तेफाक है, मुझसे मिलने आए करोलबाग में, जब चलने गए तो मैंने कहा मुमकिन है कि अब कभी मुलाकात हो, और वही तीसरे दिन मर गए। क्या, किस उम्र में मरे ये? अधे हो चले थे। अच्छा, मौलाना हाली से भी मुलाकात हुई? अफसोस है नहीं हुई। नहीं हुई, शिबली से, मौलाना शिबली से? शिबली से रही। कितनी मुलाकातें हुई होंगी? 7-8। अच्छा, तो उसमें बिलू किस मौजू पर गुफ्तगू ज्यादा किया करते थे शिबली साहब? एक रोज अमीनाबाद पार्क के जो कमरे ऊपर है, तो लॉन्ग वेकेशन थी ये। तो हमारे नहीं थे वहाँ पार्क में। अच्छा, कहने जो साहब आप वीरानी देख रहे हैं इस पार्क की, न जौक निगाहे और न हंगामे इश्क, ऐ वाय बशहरे के दरो फितना घरे। अच्छा शेर का, अच्छा शेर है। बहुत अच्छा शेर, न जौक निगाहे और न हंगामे इश्क, ऐ वाय बशहरे के दरो फितना घरे। फारसी, फारसी में तो हाफिज के करीब करीब पहुंचे हैं। बहुत फारसी में लामा मौली सफी लखनवी। हाँ हाँ, बहुत बहुत है। अच्छा, अजीज साहब के, अजीज साहब ने भी उनसे इस्लाह ली है? हाँ जी। हाँ, फिर बागी हो गए। बागी हो गए। हाँ। क्या सबब था इस बगावत का आपके इल्म? नहीं, मुझे इल्म नहीं, नहीं।
अच्छा, जो आप इख्तियार की غالباً والد محترم نے ان کا شاگرد کرایا؟ ہاں 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 تو 6-7 سال آپ نے ان سے غالب بس شروع میں کی. کتنی غزلوں پر اصلاح کا طریقہ کیا تھا ان کا؟ اصلاح کس طرح دیتے تھے عزیز صاحب؟ اچھی اصلاح دیتے تھے. تو کیا شعر کے مفہوم میں بھی تصرف کرتے تھے؟ ہاں تصرف کرتے تھے, اس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی. اچھا, اصلاح کے بعد وہ توجیہات پر کچھ توجہ دیتے, بتاتے تھے کہ یہ کیا وجہ اصلاح ہے یا نہیں؟ وہ زمانے میں لونڈوپن میں اتنی نظر ہی نہیں تھی, کیونکہ سب کو باتیں سب پوچھتے کہ آپ نے یہ لفظ ہٹا کے لفظ کیوں رکھا ہے. تو ان کی اصلاحیں جو تھیں, وہ ان کی اصلاح شدہ غزلیں بعض روح ادب میں ہوں گی. روح ادب میں جو غزلیں ہیں ان میں بعض غزلیں ایسی ہیں, ایسی ہوں گی. تو آپ نے ان کی اصلاح کس حد تک قبول کی؟ بہت کم. بہت کم کس بنا پر؟ کیوں, اس کی علت کیا ہے؟ وہ میرے تخیل میں دخل دیتے ہیں. عید علی خان صاحب پوچھ رہے ہیں, سب سے زیادہ پسندیدہ شاعر آپ کا کون؟ فراق گورکھپوری. فرقوا, اس میں کیا کیا باتیں آپ کو پسند ہیں؟ اس کے فکر کی یہ بڑا مشکل پسند ہے آپ کو؟ پسند ہے بحیثیت مفکر کے بھی پسند ہے یا تفکر اس کو ہے ہی نہیں؟ ہے ہی نہیں. اچھا, شاعر ہے. اچھا, شاعر ہے, عاشقی کی باتیں کرتا ہے اور اس میں اچھے شعر بھی بعد نکال آتے ہیں. یہ اور بات کبھی کبھی وہ روبائی میں ٹھوکر کھاتا. ظفر علی خان کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ بہت قادر کلام آدمی تھے, لیکن شاعر نہیں. لیکن زبان و بیان پر, ہاں زبان بیان پر ایسی قدرت تھی, قوافی پر ایسی قدرت تھی جس کی انتہا, یعنی اہل زبان انگوش نمائی نہیں کر سکتے ان کی زبانی پر. ہاں راغب صاحب مراد آبادی کے شاعری کے متعلق, شاعر کیسے شاعر کہتے شاعر ہیں راغب صاحب؟ راغب زود گو, اور زود گو میں خوشگو نہیں ہوتے, زود گو خوشگو دونوں. یہ بڑی خوبی ہے, ورنہ خاص ہوتا ہے کلام زود گو شعرا کا. راغب صاحب کے متعلق یہ مشہور ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ راغب صاحب بہت تیز شعر کہتے ہیں, انتہائی تیز شعر کہتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی جب وہ دوسرے شعر کہتے ہیں, اپنے تبادات شعر کہتے ہیں, تب بھی ان شعروں کا معیار فلبدی شعروں جیسا رہتا ہے. اور فلبدی شاعری میں معیار قائم رکھتے ہیں. کوئی شک نہیں. جب راغب صاحب ربائیاں کہتے ہیں, ان کی ربائیاں کیسی ہوتی ہیں؟ بہت عمدہ ہوتی ہیں, بہت عمدہ ہوتی ہیں. آپ نے بہت سی رقاصائیں دیکھی ہوں, سب سے بہتر رقاصہ آپ خیال میں کون تھی آپ کے دور کی؟ رقاصہ فطرت. وہ تو ہے, لیکن غالباً آپ نے کسی رقاصہ کا ذکر کیا ہے یادوں کی برات میں, جس کا تعلق غالباً دھولپور سے تھا یا کسی اور شہر سے؟ وہی سب سے زیادہ پسند تھی آپ؟ رقص میں رقص میں تو لکھنؤ کی تھی. اچھا, یہ دارا تھی, بہت عمدہ گاتی تھی, نازنین تھی, بہت اچھا ناچتی تھی. اچھا, موسیقی میں آپ کو یہ پکے راگ یا راگنیاں پسند ہیں یا ہلکی پھلکی؟ نہیں صاحب, مجھے راگ پسند ہے, راگ پکی موسیقی. رقص کون سا پسند ہے آپ کو؟ رقص کون سا پسند ہے؟ کتھک. زندگی کا سب سے عجیب و غریب واقعہ کوئی ایسا ہو سنائیے, عجیب و غریب نادر قسم کا واقعہ. مولوی احمد حسین کا واقعہ ہے. مولوی احمد حسین کا حیدرآباد میں تھے. ہاں, انہوں نے مجھ سے کہا تو میں ایک مہینے تک, آپ جا رہے ہیں حیدرآباد سے, ایک مہینے تک خواب میں آؤں گا اور آپ کو ہدایت کروں گا, ویسے عمل کیجیے گا. چار سے ایک مہینے تک برابر وہ آتے رہے خواب میں. جی, خواب میں آتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ 6 مہینے پیچھتا اپنی موت سے میں آپ کہیں بھی ہوں گے مل کے جاؤں گا دنیا سے. چار 6 مہینے پیچھتا ہوا ہے اور مجھ سے ملے دلی میں. یہ بڑی عجیب بات. آپ نے 2 فلموں میں گانے لکھے ہیں اتنے عرصے میں, ایک من کی جیت میں اور ایک آگ کے دریا میں, اور دونوں گانوں کو بڑی مقبولیت ملی. لکھنا چھوڑ دیا؟ لکھوانے والے ہی نہیں لکھوانے والے ہی نہیں ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل بھی نہیں. ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو موسیقار ہوتے ہیں ان سے آپ کی کچھ تکرار ہوتی ہے کسی لفظوں کی بندش پر یا کوئی ایسی بات؟ ایسا نہیں. ایسا نہیں. جوش, آپ بالعموم خواب دیکھتے ہیں, کس قسم کے خواب آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر؟ ہم نے کبھی اس کا احاطہ نہیں کیا. ہاں, کچھ کبھی تو بہت وحشتناک اور کبھی نہایت حسین خواب دیکھتے ہیں. وحشتناک بالعموم کس قسم کے ہوتے ہیں؟ کچھ ہے جیسے موٹر چلا رہے ہیں اور پہاڑ پہ جا رہے ہیں اور پہاڑ وہ کھٹ کی طرف موٹر چلی جا رہی ہے اور بریک ٹوٹ گیا ہے, اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں. اور حسین خوابوں کی نوعیت بالعموم کیا ہوتی ہے؟ جیسے لڑکیاں آئی ہیں, چہچہا رہی ہیں, ڈاری ڈاری جھوم رہی ہے, نہریں بہہ رہی ہیں. تو
تو جنت کے مناظر خواب میں دیکھتے ہیں آپ. نیاز صاحب نے غالباً 25-30 برس آپ خلاف لکھا نگار میں, لیکن آپ نے اس کے جواب میں کچھ نہیں جواب دیا. اس کی علت کیا ہے, کیوں آپ نے خاموشی مسلسل؟ میں نے خط دکھا تھا نیاز صاحب کو کہ بھائی میں اس لیے جواب نہیں دیتا ہوں کہ اگر میرے شعر میں جان نہیں ہے تو آپ 40-50 برس تک مسلسل میری تعریف کیجئے, جب بھی وہ کلام میرا باقی نہیں رہے گا. اور اگر جان ہے تو تمام عالم ایک صدی تک اس کی مذمت کرے گا جب بھی رہے گا. تو یہ فیر عبس ہے, فیر عبس ہے, جواب دینا. مطمئن ہوئے اس سے بعد میں؟ تو پھر آپ کے تعلقات بڑے اچھے ان سے ہو گئے. مجھ سے خوش ہوئے جبکہ حالانکہ 30 برس تک انہوں نے لکھا میرے خلاف, لیکن جب مولوی عبدالحق کا انتقال ہوا تو یہاں کسی اخبار میں چھپا کہ صاحب جو صاحب کو کیا جائے سیکرٹری انجمن ترقی اردو کا, اور اگر ان کو فرصت نہ ہو تو نیاز صاحب کو. تو میں نے اخبار میں مضمون لکھا کہ نیاز صاحب مجھ سے کہیں بہتر ہے اور ان کو سیکرٹری بنایا جائے. اس سے بہت متاثر. اچھا, عبدالحق صاحب جو تھے وہ کچھ ناخوش آپ سے کس بنا پہ ہوئے؟ عبدالحق صاحب یہ ایک نئے قسم کے دہریے تھے جو کہ خارجی تھے. ان کو یعنی دہریے خلاف سخت خلاف سخت تھے, اور جس شخص کو لکھنوی سمجھتے تھے یا شیا سمجھتے تھے اس سے وہ نفرت کرتے. اچھا, اہل لکھنؤ سے بھی انہیں کچھ؟ لکھنؤ والوں سے بہت سخت نفرت تھی, اس لیے تشیع ہے لکھنؤ میں نا. اچھا, تو وہ دہریے خارجی تھے. حیرت کی بات, ان میں ادب علم اتنا نہیں تھا. بعض اوقات تو شعر پڑھتے تھے اضافت کھا جاتے تھے. تلفظ کے اغلاط بہت تھے. نہیں نہیں نہیں, شعر پڑھ بھی سکتے تھے. اچھا, ان کا 1/4 ان کی شخصیت تھی, 3/4 پر پکڑا تھا. اچھا, وحید الدین سلیم صاحب کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ وحید الدین سلیم بڑا ذہن رسا رکھتا تھا, بہت ذہن رسا رکھتا تھا, بہت. اس زمانے میں اس نے قہقہے مارے تھے میندز پر, میں نے جو سنائی تھی ہم نعت کی نظم, بہت. اتنے پہلے حزیز اب کرتا رہا, پھر اتنے زور سے ہنسا کہ صاف پیک نکل گئی, کرتا لال ہو گیا کہ کیس حماقت پڑھے وہ, کیسی پیمبری ہو, کیسا کیا. ہاں, بڑا صاحب ادراک آدمی تھا. لیکن مجھ سے علی اختر صاحب فرما رہے تھے کہ بہت ابخل تھے. ارے ابخل کی انتہا نہیں. جب پان کھاتے تھے, پاندان آیا, اب یہ خیال کہ کوئی دوسرا نہ کھا لے, تو اکراہ پیدا کرتے تھے. انگلی ڈالی چاٹا, پھر انگلی اسی میں ڈال دی, پھر چاٹا, تاکہ اکراہ پیدا ہو, لوگ کھائے نا. نوکر 1000 روزانے میں بہت تنخواہ ہوتی تھی اس دور میں. 1000 روپئے آج سے روزانے پر میں نوکر ملتا 10 روپے مہینے پر, لیکن نوکر کبھی نہیں رکھا. نہیں, لوگ اس فرمائش کرتے ہماری دعوت کرو, نہ ہوا تو کہیں دو آنے کی روٹی کھائے آئے کسی نان بھائی کے ہاتھ. بہت بخیل آدمی. کیا سبب تھا کہ پسند انداز کرتے تھے؟ غریب خاندان کے تھے, روپیہ کبھی دیکھا نہیں تھا. بہت غریب خاندان کہتے تھے, میونسپلٹی کے لالٹینوں کے سائے میں وہ کی روشنی میں نے پڑھا, تو وہ خون میں اس کے افلاس تھا. ایسا تو نہیں تھا کہ اپنی تنخواہ لوگوں میں تقسیم کیا کرتے؟ نہیں, توبہ کیجیے, توبہ کیجیے. اب نوکر تھا نہیں, نہانے کے لیے ایک گھڑا بھرا. اچھا, کرتا نہیں پہنتے تھے, خالی پیجامہ بخل کے بنا پر. تو اب گھڑا جب اٹھایا تو تند ابھی تو پیجامہ گر گیا, تو ہم لوگوں نے منہ پھیرا کرے, ارے منہ نہ پھیرو, یہ تو موقع کہیں کہیں روز روز ملتے ہیں, دیکھ لو ننگا جی بھر کے. ہاں, زندہ دل آدمی. ہاں, بہت بدلا سن بھی تھا, بہت زندہ دل آدمی. انا حسرت بحیثیت انسان کیسے تھے اس کا جواب نہیں صاحب. حسرت کا جواب پر نہیں, اگر مسلمانوں میں ایسا آدمی پیدا ہوگا حیرت ہے. اتنی خراب قوم میں اتنا اچھا آدمی پیدا ہو جانا یہ معجزہ ہے. اس قدر بلند کردار آدمی, اس قدر بلند کردار. ایک دفعہ ہم لوگوں نے بلایا لکھنؤ میں کرایہ دینے کے, کرے میاں کرایہ نہ دو, وہ تو گارڈ سے ملاقات تھی, وہ ساتھ بٹھا لایا. حسرت کا جواب نہیں صاحب, اتنے مضبوط کیریکٹر کا آدمی تھا جی, اور کہیں سے ہوا سے دنیا اس شخص میں نہیں تھی. اب پارلیمنٹ کے ممبر تھے, ممبروں کے لیے خاص کوٹھیاں تھیں وہاں مسجد میں پڑے رہتے تھے. پھر جو ان کا فیس بنی وہ قبول نہیں کی انہوں نے, پنڈت نے کہا ہم تو رکھ نہیں سکتے آپ ہی کے, تو 40,000 روپے تھے,
तो फिर जाकिर हुसैन खान लिखा कि भाई मैं सोफे को लेके क्या करूंगा, तो कोई रास्ता बताइए कि मैं किस फंड में दे दूं, इस कैरेक्टर तो आदमी कहीं देखने में आएगा। कहने लगे कि हमसे लोगों ने इतराज किया कि साहब आप जो मलियाबादी को क्यों अच्छा कहते हैं, वो तो देहरी है। तो मैंने कहा कि इस सलीके से खुदा को बुरा कहने वाला हो तो मैं सारा को बैठाऊंगा। फिर कहने का कि वो जाफर अली खान ने हमारे शेर पर एतराज किया है, क्या दर्द सर मेरा, क्या उनका जुकाम गया। कहने के जाफर अली खान से कह दिएगा जब मुलाकात हो कि हम अब भी कहीं आते जाते हैं। उनकी बीवी बड़ी माकूल थी, बहुत माकूल था, बड़ी माकूल। जब वो गिरफ्तार हो जाते थे तो वो अपनी किताबें वगैरह उनकी या कुछ और अपना कांग्रेस से नहीं लेती थी कुछ। बड़ी माकूल। अच्छा, कभी आप मुलाकात उनसे लखनऊ में बिलुम होते थे या कानपुर भी? कभी कानपुर भी गया था मैं उनके वहाँ, मालूम है नहीं। अच्छा, पानी भरने गए तो घर रख के सर पे चले आ रहे। इतना सादा आदमी, इतना सादा आदमी, कहीं बनवट का नाम नहीं। गाँव की तहजीब के मुतालिक या माशरत के मुतालिक अक्सर लोग कहते हैं कि उसमें कुछ बनवट या तसन्नो का पहलू जाए, आप कहाँ तक मुत्तफिक हैं? इंसानी तहजीबी बनवट है जी, तसन्नो हो। यह जो हम कपड़े पहनते हैं ये भी रियाकारी, हम दिखा रहे हैं कि हम ये हैं, हालांकि नहीं है ये, हम उसके पीछे हैं। तहजीब तो है तसन्नो। तो आप लंदन की तहजीब को लखनऊ की तहजीब और माशरत पर तरजीह देंगे फिर? भाई ये तो कुंसियत की बात है। अच्छा, असल जो चीज ना कोई अच्छी है ना बुरी है, इंसान जब बचपन से मानुस होता है चीज अच्छी लगती है। आप लहजे देखिए, लहजा भी कोई बुरा है ना अच्छा है, लेकिन हम जिन हमारे कानों की आदत है जिस तरह सुनने की, आदत के खिलाफ जब सुनते हैं, गाड़ी को गड्डी जब कोई कहता है हमें तकलीफ होती है, हालांकि गड्डी में क्या है, बारे इकबाल को इकबाल को कहता है हमें बुरा लगता है। तो बस ये समाज की आदत है, समाज के खिलाफ जब कोई बात होती है तो बुरी लगती है, वरना कोई चीज अच्छी है ना बुरी, एक आदत ज़हनी होती है। जब आदत ज़हनी के खिलाफ कोई शख्स सुनता है तो बर्फ रोकता हो जाता है, गले के रखे फूट जाती, छुरी मार देता है, जज्बात मुक्का मारते हैं। हाँ, ये होता है ना, कुछ सब इजाफी है बातें, ना खैर है ना शर है, ना अच्छा है ना बुरा है, सब इजाफी है। यहाँ होता है, होता है, हमारे वहाँ सगी खालाजाद बहन चचाजाद बहन फूफीजान बहन से शादी को हो सकती है, हिंदू कानों फाड़ रखता है, कहता बहका का अतवार, हमारे मोहब्बत नहीं कर सकते लड़की से, नहीं यहाँ मोहब्बत को बच्चल नहीं समझा जाता है, लड़की शेर कहती तो बाप थप्पड़ मार देता है, ये कदर होती है शायरी की। जब मुशायरे होते थे तो शायरात तो लखनऊ में शिरकत नहीं करते, नहीं नहीं मजाल नहीं, तो लोग उठ के चले जाते हैं। और उस समय में शायरात भी बेपर्दा नहीं थी। अच्छा, और तखल्लुस भी हिजाब वगैरह रखती थी। तखल्लुस में भी हिजाब था, हिजाब था, हया जैसे वो कनीज फातिमा, हया हया हिजाब मर गई। कौन? कौन एक थी वो भी किस्मत तखल्लुस। तो मैं ये पूछ रहा था जो साहब के हमारे जो मशाहिर गुजरे हैं और जो शगल किया करते थे, मसलन खयाम हाफिज वगैरह वगैरह, तो वो भी गुरूब आफ्ताब के बाद ही जिस तरह से आप शगल फरमाते हैं उसी तरह से, या दिन के औकात में? जी, मेरा ख्याल है कि दिन के औकात में नहीं करते थे, क्योंकि उनके वहाँ यह है कि खुर्शीद डूब चुका, खुर्शीद डूब, हाँ, तो इसके माने कि वो आफ्ताब के साथ, माने है कि आफ्ताब के डूबने के बाद ही होता था, और जितने लतीफ काम है वो चौतारों के छांव में होते हैं इस सूरत की रोशनी में। तो आप पेट्रोल पंप चले? हाँ, मैं पेट्रोल। तो लताफत को रोशनी मजरूह करती है? हाँ, लताफत करती है। हाँ, दिन तो सोल्जर बले रहो, रात को लोफर हो जाओ, और जहाँ 23 घंटे का दिन होता है वहाँ क्या कीजिएगा? वहाँ तकसीम कर लो, और क्या करोगे? तो बारी ताला के मुनकिर हैं और न मारूफ माना में मुकिर। आपके बकौल अभी आप इस तलाश जस्तजू में हैं, तहकीक तलाश या जस्तजू है,
तो इस सिलसिले में आपने क्या क्या तरीके इख्तियार किए और किन राहों से गुजरे आप? जो तरीके अख्तियार किए तो समझाइए क्या कहना पूछना चाहते हैं। यानी आपने अज़रूए अक्ल समझना चाहा सिर्फ जी, और इससे हटके अज़रूए यानी फलसफा, फलसफा तो उसी में आ गया, लेकिन मजहब की रूह से आपने कभी तस्लीम नहीं किया ना पाया? मतलब को मुताला किया और सिर्फ कुरानी का नहीं, जितने सो कॉल्ड आसमानी किताबें हैं उन सबको मुताला किया, उनके नोट बनाए, काफी बनाए ली थी, कुरान के भी नोट बनाए, पाँच सात दफे कुरान को पढ़ा, उसके नोट बनाए, पहले दृष्टा से दीन किया, फिर अकली मुताला किया, मुताला करता रहा और आप भी कर रहा हूँ, और अभी तक सिर्फ दबिस्ता हूँ, अभी तक जहालत के वाजिश निकला नहीं निकला और शायद अभी मौका भी नहीं है। अभी इंसान का इल्म इतना बड़ा नहीं है कि वो आलिम बन सके। वही जो मैंने आपसे बारह कहा है कि भाई इस वक्त सबसे बड़ा आलिम वो है जो ये समझे कि मैं जाहिल हूँ, यानी मारफत इल्म हासिल होती है इंतहाए जेल है अभी तक, मैं तो कही चुका हूँ ना, वो मकरुबाई मैंने कही थी, सुन हो गए कान तो बसारत पाई तो समात पाई, सुन हो गए कान तो समात पाई, गुल हो गई आंखें तो बसारत पाई, गुल हो गई आंखें तो बसारत पाई, जब इल्म के सब खंगार डाले कुलजुम तब दौलत इरफान जहालत पाई। अभी तक हमारी हमारा हमारी इल्मियत यह है कि हम अपने जहल से मुतला हो रहे हैं, बस हमें कुछ नहीं आता है, मालूम हम सुध के हेच मालूम न सुध, यह है हर कस न शना संदय राजस्त वगरना यहां हमारा राजस्त के मालूम है अवाम, जो तांगे वाले को मालूम है वो भी राज है। अभी तो हम दो पांव पर खड़े हुए हैं, अपने को जैसे कि आस्टिन बेबी आस्टिन को हम बाइक कहते थे मोटर कार कहते हैं, वैसे अपने को आदमी कहते हैं, बहुत अच्छा बाइक कहते थे, खुशामद करते हैं, अभी आदमी इस पूरे अर्थ पर पैदा नहीं हुआ है। जो साहब आपसे सवाल करना था कि गजल से आप एक सौतेली बेटी का सुलूक क्यों करते हैं? फिरासत रिजवी साहब ने फरमाया कि गजल के साथ आपका सुलूक सौतेली बेटी के ऐसा क्यों है? मैं तो उसको बेटी ही नहीं समझता हूँ। अच्छा। हाँ सौतेली तो बड़ी थी। अच्छा। गजल पहले आप ये बताइए कहते किसको है, शायरी किसको कहते हैं पर ये क्या इस्तेमाल नुस्ख किसको कहते हैं? यानी इस्तेमाल नुस्ख उस वक्त होता है जबकि हमारे दिल में कोई जज्बे के इजहार की तमन्ना या किसी चीज की तबलीग, इबलाग, इबलाग और इजहार का जरिया है नुत्क। तो गया माने ये, तो इसके माने ये कि हम नुत्क को इस्तेमाल नहीं करते जब तक कि जरूरत दाई नहीं होती है, बोलने की खातिर तो नहीं बोलते, जब किसी इजहार के जज्बे के इजहार या किसी अमर की तबलीग मखसूस होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं। तो मालूम हुआ माने पहले हैं, इस्तेमाल नुत्क बाद को है। यही हाल शेर का है, शेर हम उस वक्त कहते हैं जब शेर अपने को कहलवाना चाहता है, हम पर नाजुर होता है वही की तरह, उस वक्त हम शेर कहते हैं, और वो एक कैफियत तारी होती है वक्त वाहिद में नफ्स इंसानी पर एक कैफियत तारी होती है। ये हारमोनियम के पर्दे इंसान का दिमाग नहीं है, सारे गवा नहीं कि गम भी तारी हो खुशी भी तारी हो, रकीब भी आ जाए, मासूक से बस भी हो रहा है, हिज्र भी हो रहा है, और खुदा से भी बातें हो रही है, शेख से चोट हो रही है, और रिंदी की बातें भी हैं, और तबलीग इस्लाम भी हो रही है। ये चूचू का जो मुरब्बा है ये बकवास है, ये शायरी नहीं, ये असल में काफिये ना आप बीती है ना जग बीती है, काफिया बीती है, काफिया पर क्या बीत रही, बेदार कर दिया, बगम खार कर दिया, सत्तार कर दिया, ये शायरी नहीं है, ये शायरी नहीं है, ये हमारे जब दिमाग थक गए फिक्र मुसलसल से उस वक्त ये चुटकुलेबाजी शुरू हुई हमारे में, चुटकुलेबाजी शुरू हुई, जैसे हिंदुओं के दरबार बोल भला एक तरह दे दी, उस सामने का डोल भला हाँ उनका बेकफार कर दिया, और सत्तार एक तरह दे दी, अब आपने तरह दी फरमा दिया, मैं जूते तैयार कर रहा हूँ स्वर में, ये कुछ आइए
आपका पहला मतदाग है वसल का, दूसरा है हिज्र का, तो आप पर वक्त वाहिद हिज्र वसल तारी होता है। ये तो बकवास है, मजूब है। एक दफा पानी वगैरह से बहस हुई थी, किसी तरह कायल नहीं हो रहे थे, जिगर पीते पानी देते, हसरत महानी ये दिल्ली आए हुए थे किसी होशियारे। मैंने दूसरे दिन कहा कि मुझे वहां, मैंने उनसे कहा दूसरे दिन कहा इस किसी होटल में कहा कॉरोनेशन, मैंने कहा वहां मिलिएगा। आध घंटे देर करके पहुंचा, तो जले बैठे थे, पानी का भी हमें आध घंटे तपा रहे हो। हमें कहा भाई गाड़ी खराब हो गई जी, अब एक सांस में कह रहा हूँ गाड़ी खराब हो गई जी, केला नहीं मिला है भाई, मैं क्या करूँ। और आम का मजे ही वो बाकी नहीं रहा, और झांसी करानी पड़ी उनका थी, उनका क्या आ रही थी, मन का गजल कह रहा, गजल कह रहा। तो असल में यह है जहनी मॉर्बिडिटी, गजल जो है। अब तुम्हें क्या दलील देना हो तो दो। आपकी ये बात तो दुरुस्त है कि शायरी के लिए एक जज्बे का तसलसल जरूरी है, और शायरी की जब कैफियत तारी होती है तो उस वक्त एक मखसूस जज्बा होता है, ख्वाह वो गम का हो या खुशी का हो या हैरत का हो, किसी भी किस्म का हो। लेकिन ऐसी गजलें भी देखने में आती हैं कि जिनमें एक ही जज्बा कार फरमा होता है और एक ही मिजाज होता है, ऐसी गजलों के बारे में आप क्या कहेंगे? उदमा ने उसको गजल से खारिज किया। मैंने प्यारे साहब रशीद से गालिब के गजल के मुतल मुद्दत हुई यार को मेहमा किए हुए, मैंने कहा कितने उमदा गजल, कहने मियाँ पता है बहुत अच्छा लेकिन गजल नहीं। गजल कहते हैं उस शायरी को जिसका आदम एक ना हो, हर बच्चा दूसरे खानदान का हो, एक दूसरे से मुंह फेरे हो शेर, एक दूसरे से तसलसल ना हो, हम मानगी ना हो, वरना अगर दो शेर भी हम माना आते हैं तो उसमें काफ बना देते हैं, कता हो गया। तो गजल तो मजूब की बकवास का नाम है। जो साहब आपने एक लफ्ज फरमाया हम मानगी, बिल्कुल ठीक है, माना अरबी है उसमें गीत कैसे लगेगा। गालिब की उस गजल के बारे में आपका क्या ख्याल है कि हम खुदा जाने कहाँ होंगे सहार होने तक, इस जमीन में जो गालिब की गजल है कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, इसमें तकरीबन एक मिजाज है और एक जज्बा है और एक ही कैफियत है, क्या आप इसे गजल तस्लीम करेंगे? मैं तो कहूंगा मैं तो गजल तस्लीम करूंगा, लेकिन कदमा जो गजल की तारीफ कर गए हैं उसमें उस पर पूरी नहीं उतरती, उस मेयार पर गजल नहीं है, नहीं है।